क्या अगली पहेली के लिए आप तैयार हैं महाराज? पूछो, इतना तो पक्का है कि हम बता ही देंगे। दो लड़कियां बड़ी सुंदर, साथ हो तो बोले चपर चपर, मगर अगर एक अलग हो जाए तो दूसरी की बोलती बंद हो जाए, ना फिर कोई काम आए, बताइए कौन? ये कैसी पहेली? दो लड़कियां बड़ी सुंदर, कहीं हाथ तो नहीं? नहीं नहीं, हाथ होते तो चपर चपर कैसे करेंगी? तलवार? तलवार तो म्यान में सिर्फ एक ही होती है, तो फिर क्या हो सकता है? चलिए तेजा राम जी, हमने हार मान ली, अब आप ही बता दीजिए क्या है इस पहेली का उत्तर। पैर की जूतियां महाराज। दो लड़कियां बड़ी सुंदर, ये दो हैं, जब भी चलती हैं तो आवाज होती है चपर चपर, अगर एक गुम हो जाती है या खराब हो जाती है तो दूसरी का कोई काम नहीं होता। ये तो बहुत ही आसान पहेली थी और हम इसका भी जवाब नहीं दे पाए। एक बात बताइए तेजा राम जी, आप इतनी अनोखी पहेलियां लाते कहां से हैं? महाराज, बादशाह अकबर के खास सलाहकार बीरबल जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं जब भी फतेहपुर सीकरी जाता हूं तो उनसे जरूर मिलता हूं। उनसे जीवन ज्ञान तो मिलता ही है, लगे हाथ ये पहेलियां भी सीखने को मिल जाती हैं। उनसे समझदार व्यक्ति इस समय दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन हम आपकी ये बात नहीं मानते तेजा राम जी, कि बीरबल से बुद्धिमान कोई दूसरा है ही नहीं। महाराज, बीरबल की बुद्धि को टक्कर देने की कोशिश कई देशों के राजा महाराजा कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी उनसे जीत नहीं पाया। अगर चाहें तो आप भी उन्हें आजमा सकते हैं। ऐसी बात है तेजा राम जी, तो ठीक है, हम उन्हें जरूर आजमाएंगे। विष्णु जी। जी महाराज। आप अभी और इसी वक्त फतेहपुर सिकरी रवाना हो जाएं और हमारे दूत की हैसियत से बादशाह अकबर से कहिए कि हम उनसे समझदारी से भरा एक घड़ा चाहते हैं। समझदारी से भरा घड़ा? जी हाँ शहंशाह हिंदुस्तान, समझदारी से भरा घड़ा। समझदारी से भरा घड़ा, आखिर ये भला है क्या? हमने तो इस तरह के घड़े के बारे में कभी नहीं सुना, फिर इन्हें कहाँ से ला कर दें ये घड़ा? रहमत खान, ये समझदारी का घड़ा क्या होता है? मुझे क्या पता खुदा बख्श जी, मैंने तो अब तक सिर्फ दो ही घड़े देखे हैं, एक पानी से भरा और दूसरा लस्सी से भरा। ये समझदारी से भरा घड़ा ना तो कभी देखा है ना ही कभी सुना है। मुझे तो ऐसा लगता है मंसूर के राजा जहाँपना से मजाक कर रहे हैं। अगर हमने विष्णु जी को बिना घड़े के भेज दिया तो हमारा बहुत अपमान होगा। सुखदेव जी। जी जहाँपना। क्या आप राजा यशोवर्धन जी को समझदारी का घड़ा भेजना चाहेंगे? माफी जहाँपना, मुझे समझदारी से भरे घड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं, मैं इसका इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। बीरबल जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? राजा यशोवर्धन जी ने समझदारी से भरा घड़ा मांगा है तो उन्हें घड़ा मिल जाएगा जहाँपना, लेकिन उसे भरने के लिए मुझे एक महीने का समय चाहिए। आप जानते हैं ना बीरबल जी कि आप किस बात के लिए हाँ कह रहे हैं? जी जहाँपना, मैं जानता हूँ। हमें खुशी हुई बीरबल जी कि आपने हमारी उम्मीद को टूटने नहीं दिया। विष्णु जी, जाकर यशोवर्धन जी से कह दीजिए कि एक महीने बाद आकर वो समझदारी से भरा घड़ा ले जा सकते हैं। जी शहंशाह हिंद। आदाब। लाओ मुझे एक घड़ा दो। हाँ। अब बाकी घड़ों को भी इसी तरह से तैयार करके दूसरे फलों पर रख दो। Thank you.
सेवक राम, तुम्हें इन घड़ों का खास ध्यान रखना है। समय पर पानी, खाद सब देते रहना। ये घड़े और फल हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। चिंता ना करें हुजूर, मैं इनका पूरी तरह से ध्यान रखूंगा। बिरबल जी, इतने दिन गुजर चुके हैं, क्या अब तक आपका घड़ा समझदारी से भरा नहीं? जी नहीं जहांपनाह, मुझे उस घड़े को भरने के लिए लगभग 7-8 दिन और चाहिए। बिरबल जी, कोशिश कीजिएगा कि राजा यशोवर्धन के आने से पहले आपका घड़ा समझदारी से भर जाए। आपने बुलाया महाराज? विष्णु जी, समझदारी से भरा घड़ा लेने का समय हो चुका है। कल सुबह फतेहपुर सीकरी चलने की तैयारी कीजिए। हम भी तो देखें बीरबल घड़ा समझदारी से भर रहे हैं या मूर्खता से। बीरबल ने हवा में तीर छोड़ा है महाराज। मुझे पूरा यकीन है कि आपके इस तिगड़म से पार पाना उसके बस की बात नहीं। शहंशाहों के शहंशाह, जिल्ले इलाही, बादशाह अकबर पधार रहे हैं। बीरबल जी आज आए नहीं? जी नहीं हुजूर, अब तक नहीं आए और ना ही उनका कोई संदेश आया है। ठीक है, दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए। जहांपनाह, मंदसौर के राजा यशोवर्धन जी से आपने समझदारी का घड़ा भरने के लिए 1 महीने का समय मांगा था, जो पूरा हो चुका है। इसलिए राजा यशोवर्धन तय वक्त पर समझदारी से भरा घड़ा लेने पधार चुके हैं। हमें उनके आने की खबर है सुखदेव जी, उन्हें दरबार में बुलाया जाए। सिपाही, मंदसौर के राजा यशोवर्धन बादशाह अकबर के दरबार में पधार रहे हैं। आदाब शहंशाह। आदाब यशोवर्धन जी। हमने आपसे समझदारी से भरा घड़ा मांगा था, यदि वो भर चुका है तो हम उसे लेने आए हैं। बहुत सही समय पर आए हैं आप घड़ा लेने यशोवर्धन जी। आप यशोवर्धन जी, ये बीरबल जी हैं, हमारे सबसे खास सलाहकार। तो क्या आप समझदारी से भरा घड़ा साथ लेकर आए हैं बीरबल जी? जी जहांपनाह। सिपाही, घड़ा लेकर आइए। नामुमकिन महाराज, ये कैसे हो सकता है? कोई समझदारी को घड़े में कैसे भर सकता है? ये लीजिए महाराज, आपका समझदारी से भरा घड़ा। लेकिन घड़े में समझदारी देखने से पहले मेरी एक शर्त है महाराज। कैसी शर्त? शर्त सिर्फ इतनी सी है महाराज कि समझदारी को घड़े से बाहर निकालते समय न तो इसे कोई खरोंच आनी चाहिए और ना ही घड़े को। मंजूर है। तरबूज? इतना बड़ा तरबूज घड़े के अंदर कैसे गया? मान गए आपको बीरबल, ये घड़ा तो आपने सचमुच समझदारी से भर दिया। हम आपकी चतुराई का प्रमाण देखना चाहते थे बीरबल। इतनी बड़ी समझदारी को घड़े में भर कर आपने हमें अपना प्रशंसक बना लिया है। शहंशाह, समझदारी से भरे इस घड़े के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें आज्ञा दीजिए। बीरबल जी, समझदारी से भरा घड़ा राजा यशोवर्धन जी को देने से पहले कम से कम हमें तो दिखा देते, ताकि हम भी जान लेते कि आपने उसे कैसे भरा है। उदास मत होइए जहांपनाह, मेरे पास ऐसे 6 घड़े और हैं। सिपाही, वाह बीरबल जी, वाह वाह बीरबल जी, आपने तो कमाल कर दिया। आप सच में बेजोड़ हैं। हम चाहते हैं कि समझदारी से भरा ये घड़ा दरबार में सभी को दिखाया जाए। हमने तो कल्पना भी नहीं की थी कि आप समझदारी को इस तरह घड़े में भर देंगे बीरबल जी। ये सोच सच में लाजवाब है। समझदारी से घड़े तो भरते हुए हमने देखे हैं, लेकिन समझदारी को घड़े में भरते हुए हमने पहली बार देखा है। आपने इस चुनौती को हल करके हमारी सल्तनत को बेइज्जत होने से बचाया है बीरबल जी।
लेकिन हमारा सवाल ये है कि आपने तरबूज को घड़े में भरा तो भरा कैसे? जहापना, समझदारी से भरे घड़े जैसी कोई चीज ही नहीं होती, लेकिन विष्णु जी ने जब हमसे ऐसे किसी घड़े की मांग की तो मैं समझ गया कि यशोवर्धन जी ने हमारे पास कोई चुनौती भेजी है। बस जहापना, उस चुनौती को हल करने का सोचते सोचते ये उपाय निकल आया। वैसे बिना समझदारी के तरबूज को घड़े में उगाना आसान नहीं था जहापना। आपकी बुद्धि की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है बिरबल जी, आप हमारे दरबार के सबसे ज्यादा होनहार रत्न हैं। बादशाह अकबर जिंदाबाद, मंत्री बिरबल।